नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी। मैं हूं गौतम ठाकुर। आवाम की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। जनाब, हम ऐसे भारत देश में रहते हैं जहां पर शिक्षा को पूजा जाता है। अगर आपका गलती से भी पैर किताब पर लग जाए तो आप उसे माथे पर लगाते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आज भारत में शिक्षा दो भागों में बटी हुई सी नज़र आती है, सरकारी और प्राइवेट में। आज जो लोग सक्षम हैं वो भी, और जो अपना पेट काट कर पैसे जोड़ कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सपना देखते हैं वो भी आज ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में अगर उनका बच्चा पढ़ा है तो वो ज़रूर लायक बन जाएगा, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ा है तो पता नहीं क्या होगा। सवाल आज यही है कि आखिर सरकार द्वारा चलाए जाने वाले इन सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत क्यों है? सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों की ऐसी धारणाएँ क्यों बन गई हैं? क्योंकि अगर सरकार द्वारा कोई चीज़ चलाई जाती है तो वो ज़रूर उम्दा होनी चाहिए, क्योंकि आप वो भीड़ भी तो देखते हैं जो सरकारी नौकरी की होड़ में लगती है। आज आप अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन नौकरी उन्हें सरकारी दिलाना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या है सरकारी शिक्षा में जो बच्चों को लायक नहीं बना पाती, जो आपकी ऐसी धारणा बना देती है? आज वही जानने निकले हैं जनाब। तो चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं, आम लोगों से मुलाकात करते हैं, इस धारणा का खुलासा करते हैं। जनाब, आज हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, एक सपना बन गया है। चाहे वो कुछ भी काम करते हैं, भले ही उन्हें अपना पेट काट कर बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जुगाड़ना पड़े, पैसा जुटाना पड़े, लेकिन वो जुटाएंगे ज़रूर। मेरे साथ जितने भी लोग आप बैठे देख रहे हैं, तमाम लोग सफाई कर्मचारी हैं। इनकी ज़िम्मेदारी बहुत अहम है, क्योंकि आप अपनी सुबह सड़कों पर निकलते हैं वॉक के लिए, साफ़ सुथरी सड़कें मिलती हैं तो इनकी वजह से, क्योंकि ये सुबह 6 बजे, 4 बजे, 7 बजे उठते हैं और सड़कों को साफ़ कर देते हैं, आपके आसपास हर जगह को चकाचक कर देते हैं ताकि आप साफ़ सुथरी हवा में सांस ले सकें। लेकिन इनके बच्चे आज सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात भी है, लेकिन सरकारी स्कूल को लेकर ये क्या सोचते हैं आज वो भी जान लेते हैं। जनाब, सर आपका नाम जानूंगा पहले। मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील कुमार जी, कहाँ पर आपके बच्चे पढ़ते हैं, मतलब कौन से सरकारी स्कूल में? राम दरबार सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप सपना देखते थे कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालें? बिल्कुल देखते थे जी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर है वहाँ सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो पढ़ाई है वो शहर में जो नामी ग्रामी स्कूल है उनके लायक यानी कि पढ़ाई नहीं है। वहाँ पर बच्चों को होमवर्क भी ठीक ढंग से नहीं दिया जाता, क्योंकि जब कॉपी चेक करते हैं कभी कभार हमें टाइम लगता है, क्योंकि वैसे तो बच्चों का जो टाइम है हमारे से बाद में स्कूल जाने का है, हम उससे पहले 6:30 बजे घर से निकल जाते हैं और बच्चों का स्कूल लगता है 7:30 बजे, 1 घंटा पहले हम घर से निकल जाते हैं, और घर से जब हम निकलते हैं तो बच्चों को उठा के जाते हैं, फिर भी कई बार बच्चे ना मिस कर जाते हैं कि यार पापा तो अब चले गए, कोई कहने वाला तो है नहीं। जब टीचर कभी एक आधी बार बुलाते हैं, वैसे तो बुलाते हैं टीचर, बुलाते हैं तो मतलब हमें मतलब डांट पिलाते हैं, हम कहते हैं कि भाई चलो नाम ना काट दें, इसलिए मतलब हम भी चुप रहते हैं, ठीक है। बाकी मैंने देखा है कि भाई बच्चे ना मतलब जो हमारे टाइम की पढ़ाई थी, आज हमारे से हिंदी में लिखवा लो, इंग्लिश में लिखवा लो, कुछ भी लिखवा लो, पहले की अपेक्षा आज बच्चों को 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में भी बच्चे उतने निपुण नहीं है जितने यानी कि हम उस टाइम 3री या 4थी क्लास में। तो आप सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं? हाँ यस, 33 में पढ़ा हूँ मैं, तो यहाँ से मेरा यानी कि जो बेस बना था वो बेस आज तक काम आ रहा है, और बोलने का लहजा, चलने का लहजा, समाज में उठने का बैठने का तरीका, तो तरीका हमने यहीं से सीखा है। बाकी आज का जो सरकारी स्कूलों के हालात है वो हालात मतलब पहले वाले हालात नहीं है। समय के साथ साथ हालात सुधरने चाहिए थे, समय हमें यही सिखाता है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हालात जो हैं वो सुधरते चले जाते हैं। कोई एक चीज़ अगर अभी शुरुआती स्टेज में है, उसमें कुछ खामियां हैं, तो धीरे धीरे वो खामियां दूर होती हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि खामियां बढ़ रही हैं? सर क्या नाम है आपका? सुवासना में जी। क्या लगता है कि ये सुविधाएं क्या बच्चों को मिल रही हैं? अगर मिल रही हैं तो क्या बच्चे सिर्फ इनकी वजह से ही स्कूल जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में? सर देखो, पता क्या ऐसी बात है, सरकारी स्कूल में जो है, पहली बात तो ये है गरीब आदमी के पास कोई साधन नहीं होता, कि सरकारी स्कूल ही ऐसी चीज़ है जो हम मान लो उसमें भी पर सिफारिश करके बच्चे गरीब के जब जाते हैं, वरना जैसे अब के भाई ने बोला है कि भाई जो ऐसी कोटे से जो मान लो जाते हैं बच्चे, या हमारे मिडिल क्लास के जो सीटें निकलती है उसमें से सिर्फ अगर 40 या 10 सीटें हैं तो उसमें से सिर्फ 2 ही लिए जाएंगे, बाकी तो और ही बंदे जाते हैं वहाँ पर, उनके लिए सीट
खाली हो जाती है, लेकिन ये गरीब आदमी के लिए कोई सीट नहीं होती, उसमें भी सिफारिश मांगते हैं, सिफारिश नहीं चली तो उसको डीओ को फलाने गए, उसके साइन करा के लाओ, ऐसे वैसे, मतलब बहुत परेशानी है। एडमिशन के लिए भी, सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए भी जो है वो जद्दोजहद है। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या जो सरकारी स्कूल है, सर आपके पास मैं आना चाहूँगा, कि सरकारी स्कूल क्या सिर्फ गरीबों का स्कूल बनकर रह गया है? ये तो आपको भी यानी कि जानकारी है सर कि गरीब के बच्चे ही, मतलब जो मध्यम वर्गीय परिवार है ना, उनके बच्चे भी सुबह बसों में बैठ के मतलब यानी कि पढ़ने के लिए जाते हैं, पर जो सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं खासकर मैं यानी कि, और लेबर तबके के जो लोग हैं जैसे पेंटर है, डेंटर है, ऐसे लोगों के बच्चे आज भी यानी कि सरकारी स्कूलों में ही जाने के लिए मजबूर हैं। और उनकी जो मजबूरी है, एक तो आमदन का जो है ना, सरकार मतलब बड़े बड़े लोगों को तो मतलब हर तरह की सुविधा देती है, पर मतलब गरीबों को आज भी मतलब उसी प्रकार रखा जा रहा है जिस प्रकार मतलब सदियों में पहले कभी ऐसा सुना हमने कि भाई पहले यानी कि जो थी व्यवस्था। सर ऐसा नहीं है, ज़रूर आपकी सैलरी जिस जो आप बात कर रहे हैं ज़रूर अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्या सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों की हालत नहीं सुधरनी चाहिए? क्या उनको प्राइवेट स्कूल के मुकाबले टक्कर का नहीं होना चाहिए? क्योंकि सरकार अगर आपका पैसा लेती है, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो उसका आप टैक्स देते हो, तो क्या आपका ये अधिकार नहीं कि जहां आपके बच्चे इस टाइम पढ़ रहे हैं वो जगह इतना उन्हें सक्षम बनाए कि वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों से भी उम्दा हो? देखो ऐसा है कि मैं दिल्ली के तो एक छोटी सी उदाहरण दूंगा, क्योंकि हमारे भी रिश्तेदार वहाँ पर मतलब सफाई कर्मचारी हैं, और वे यानी कि जब हम बात करते हैं कभी फुर्सत में तो वे बताते हैं कि भाई यहाँ के सरकारी स्कूल ना अब अच्छे हो गए हैं। उसमें मतलब हमने ये देखा कि केजरीवाल जो सरकार बनी थी वहाँ पे एक विश्वास पे बनी थी कि भाई मतलब उन्होंने वादा किया था लोगों से कि भाई आपके बच्चों की एजुकेशन, आपका हेल्थ सिस्टम, सारी चीज़ों पे हम मतलब काम फोकस करेंगे। उन्होंने काम करके दिखाया, और आज हमें मतलब उस बातों की कई बार हम बात कर लेते भाई बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, स्कूल का कैसा हालात है, मगर हम सुनते हैं अखबारों में, टेलीविज़न पर सुनते हैं कि भाई केजरीवाल जी ने मतलब ऐसा काम किया। तो सरकार तो सेंटर में मतलब बहुत अच्छी बनी हुई है, पूरे देश ने उनको सराहा है, वोट भी दिया है, दोबारा फिर मौका दिया है। तो हम मतलब निवेदन करेंगे इस अपने चैनल के माध्यम से कि भाई अगर मतलब देखा जाए तो सारे यानी कि देश में ही मतलब सरकारी स्कूलों के हालात अच्छे होने चाहिए। मैंने 22,000 रुपये का कर्ज उठाया, ये सोच के उठाया कि मेरा बच्चा आगे कामयाब हो जाए, और मैंने ज्ञानदीप में उसको एडमिशन दिलाया BBA के लिए। मैंने कहा मगर चल 2-3 साल लगेंगे, BBA के साथ MBA भी कर लेगी, इसके काम आएगा। तो वहाँ की जो इंग्लिश है, बड़े स्कूलों की इंग्लिश जो है हाई फाई है, और हमारे यानी कि यहाँ पे बेस ही नहीं बन पाता 10वीं तक भी बच्चे का, प्लस 2 तक भी बेस नहीं बन पाता। तो वहाँ मतलब टक्कर देना हमारे बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाता है। तो मैं मतलब जब वो बेटी कहने लगी कि भाई पापा वहाँ तो इंग्लिश हमारे सिर के ऊपर से जा रही है, हम तो वहाँ पे लाइक ही नहीं, इसलिए मैंने कहा बेटा अखबार की रीडिंग करो डेली, इंग्लिश अखबार लिखवाया, इसकी रीडिंग करो, रीडिंग करने से तुम्हें थोड़ा बहुत होगा, बाकी मोबाइल दुआना पड़ा जी मुझे। फिर 9,000 रुपये का मोबाइल भी यानी कि उस पर ले कर दिया किस्तों पर। माँ बेटा इसमें से मतलब थोड़ी बहुत है यानी कि अपनी आने के बाद थोड़ा बहुत जो भी चैप्टर है उस पर यानी कि करो, तो नहीं वहाँ पे यानी कि चल पाई। और जबकि वो यहाँ पे अपने क्लास में इंटेलिजेंट थी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई सेकंड क्लास में तो वो थी, क्योंकि उसके 62% नंबर थे, तो मतलब इतना कमज़ोर नहीं होता बच्चा 62% वाला। तो फिर भी मतलब मैं यानी कि साफ ये कहता हूँ कि भाई यहाँ की जो पढ़ाइयों में, गवर्नमेंट के स्कूलों की पढ़ाइयों में और मतलब प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाइयों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। एक सवाल अपने आप से भी कर देखिए कि आखिर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ाना चाहते हैं तो सरकारी में क्यों नहीं? सरकारी में आप भी जानते हैं कि आपको भी लगता है कि आपका बच्चा लायक नहीं बन पाएगा शायद, तो सोचिए। और हम कुछ और लोगों से जानते हैं कि आखिर उन्हें क्या वजह लगती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, जिस पर हर एक का अधिकार है, हर एक इंसान का अधिकार है जो पढ़ना लिखना चाहता है, लेकिन आज जो हालात हैं उसको लेकर भी बात कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ होनहार हैं, कुछ शेर हैं। क्या नाम है, क्या नाम है? मंगल। मंगल आप? धीरज। आकाश। आकाश आपका क्या नाम है? ज्योति।
ज्योति, ओके। मंगल कौन सी क्लास में पढ़ता है? सेकंड। सेकंड में? अभी मैडम कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा। बहुत अच्छा? इसका अच्छा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। अच्छा, मैं कुछ पूछूं आपसे, आप मुझे बताएंगे? अच्छा, इंग्लिश पढ़ाती हैं मैडम? आप तो सेकंड में इंग्लिश नहीं पढ़ाते? कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं? सेकंड। नहीं, इंग्लिश कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं? मुझे फोर्थ। आप फोर्थ में इंग्लिश पढ़ाते हैं? इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश नहीं आती, क्यों? आप तो फोर्थ क्लास में हो गए। मुझे भी नहीं आती। आपको भी नहीं आती? अच्छा, आपको क्या आता है? मैथ्स आता है? जमा घटा आता है? अच्छा, दो और दो कितना होता है? दो और दो चार। आता तो है, झूठ बोल दो यार, हैं? अच्छा, एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है? ए डबल पी एल ई। अरे वाह, आपको तो एप्पल की स्पेलिंग भी आती है। अच्छा, अपना नाम इंग्लिश में पूरा सेंटेंस बोलो। मेरा नाम इंग्लिश में बोलो इसको। मेरा नाम धीरज है। हाँ, अभी इसी को इंग्लिश में बोलो। माय नेम इज धीरज। वेरी गुड। तो क्यों आप कह रहे हो कि आपको नहीं आती इंग्लिश? इसको आती है। अच्छा, अरे अरे कोई बात नहीं, भागने दो। वो जूती भाग दो। हाँ, तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि सरकारी स्कूल में, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, खाना मिलता है उधर? हाँ। और ये यूनिफॉर्म भी मिलती है? अच्छा, मुझे क्या सुनाओगे? दो का पहाड़ा सुनाओगे? आप सेकंड क्लास में हो। दो का नहीं आता। सुनाओ थोड़ा सा। आता नहीं? आता। आप सुनाओ। दो का? पाँच का। फाइव टेन में, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टी, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव थ्री नहीं फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स जा थर्ड, फाइव फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, फाइव एट जा फोर्टी, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, फाइव टेन जा फिफ्टी। कहीं गड़बड़ किया? नहीं। पक्का? हाँ जी। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो टीचर बनने के लिए अभी आप क्या कर रही हैं? जोर से पढ़ रही हैं अच्छे से? यस सर। तो कोई ऐसा सोचा है कि आप क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? इंग्लिश, हिंदी, मैथ? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, तीनों चीज़ें पढ़ाएंगी? अरे वाह, इंग्लिश आती है आपको? थोड़ी बहुत आती है। कौन सी क्लास में आप? फोर्थ। अच्छा, अभी कितनी आती है? मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इंग्लिश में पढ़ लेती हैं अच्छे से? रंगों के नाम, फलों के नाम, सब सारा कुछ आता। सारा कुछ आता है। मैडम पढ़ाती हैं? यस सर। अच्छे से। अच्छा, पापा घर पे क्या बोलते हैं कि पढ़ो अच्छे से और स्कूल जाओ? यस सर। फिर आप पढ़ती हैं, ज़्यादा खेलती हैं? पढ़ते हैं और घर में खेलते नहीं हैं। घर का काम भी करती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। यस सर। मम्मी की हेल्प करती हैं? यस सर। तो क्या लगता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अभी टीचर बनने के लिए आपको? पढ़ाई चाहिए बहुत सारी। पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत सारी। हाँ, यस सर। मनमोहन जी, फिफ्थ क्लास में है, तो क्या पढ़ना ज़्यादा पसंद है? हिंदी। हिंदी? अच्छा, हिंदी में क्या पढ़ते हो? हिंदी में? हाँ, जो बुकों में होता है वो पढ़ते हो? जो बुकों में होता है। कहानियाँ पढ़ ले तो, मैडम अच्छे से पढ़ाती है। अच्छा, मैथ और इंग्लिश का क्या? सारा कर लेता पर इंग्लिश नहीं आती ज़्यादा। इंग्लिश क्यों नहीं आती? वो तो बहुत ज़रूरी है, मैडम पढ़ाती है ना, अच्छे से पढ़ाती हैं। हाँ, सही पढ़ाती हैं। फिर? पर इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है। थोड़ी बहुत आती है? थोड़ी बहुत कितनी आती है, कुछ पूछूं? नहीं आता, वैसे फलों के नाम आते हैं थोड़े बहुत। फलों के नाम आते हैं थोड़े बहुत। ओके, आपका नाम जानूंगा मैं? मेरा नाम कमरजीत कौर। कमर जी, आपकी बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है? हाँ जी। तो ऐसा क्यों है कि एक लोगों में सोच है जो देखने में मिलती है कि अपने बच्चे को अगर वो सक्षम है तो प्राइवेट में डालेंगे, सरकारी में नहीं? हाँ जी, नहीं ऐसी कोई गल नहीं गी। जे मान लो हूँ मैं पंजाब तो बिलोंग करती हूँ, पंजाब दे विच मैं पिंड दे नाल रिलेटड हाँ, तो पिंडां दे विच मतलब बहुत बच्चे इहोजे हैगे जिहड़े सरकारी स्कूलों दे विच पढ़दे आ, पर जो प्राइवेट स्कूलों दे विच पढ़दे उह ज़्यादा एक्टिव हुंदे आ, उन्हां दे विच मैच्योरिटी भी ज़्यादा आउंदी आ, उन्हां दे विच टैलेंटड भी ज़्यादा हुंदे आ उह, ते उन बाकी प्राइवेट स्कूल वाले एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाउंदे आ।
तो एक्टिविटीज़ करवाना ही सिर्फ एक कारण है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं? नहीं, उन्होंने कारण यह है भी कि हम मान लो किन्ने एक्टिव हो जाते हैं बच्चे। मान लो मैं सरकारी स्कूल चलानी है, मैं उन्होंने कंपेरिजन का पता सरकारी स्कूलों वाले का प्राइवेट स्कूलों वाले बच्चों का कि डिफरेंट है। ये खेडते रहे सरकारी स्कूल वाले बच्चे, मैं फर्क महसूस करती हाँ भी ये उन्होंने मोर एक्टिव सी आ गल। आप बच्चों बच्चों का फ्यूचर बनाना वो ये सोच के बना भी साढ़े बच्चे कल कल स्टडी रिलेटेड ना रहन, फिजिकली एक्टिव भी हो। तो आपको लगता है कि सरकारी स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है, सिर्फ किताबी पढ़ाई, रट्टाफिकेशन? रट्टाफिकेशन भी हो सकता है, भी हो सकता है। हुण जिवें मतलब प्राइवेट स्कूलों के पहला यह पढ़ती रही है, पिछे जे एक स्कूल के प्राइवेट स्कूल से दी बेस्ट स्कूल है, ये भी स्कूल एस डी पब्लिक स्कूल है दी बेस्ट स्कूल है। पर क्या सरकार को अपने इन स्कूलों को और बेहतर नहीं बनाना चाहिए? मतलब कि एक जब एक प्राइवेट स्कूल इतना बेहतर काम कर सकता है तो ये सरकारी स्कूल क्यों नहीं? हाँ जी, चाहिए बनाना चाहिए इन्हों, मतलब कि इन्हों ये देखना चाहिए, उन्होंने खुद डिफरेंट वेखना चाहिए भी बच्चे क्यों जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों वाल, क्यों जा रहे हैं, क्यों उन्होंने पेरेंट्स बच्चों प्राइवेट स्कूलों वाल भेज रहे हैं। हालांकि किसी का यही कोई ये नहीं है, मेन इशू यही है भी बच्चा अपने को पैसा हैगा आप प्राइवेट स्कूलों के सेंड करा, आप बच्चे क्यों भेजते हैं प्राइवेट स्कूलों के? रीज़न यही है भी बच्चे मोर एक्टिव होंगे एज कंपेयर अदर स्टूडेंट। बहुत बढ़िया है, बच्चे एक्टिव होते हैं। क्या नाम है आपका? अनंतदीप कौर। अनंतदीप कौर, ओके। सो कौन सी क्लास में आप? सेकेंड। सेकेंड में है। तो क्या पढ़ना ज़्यादा पसंद है आपको? साइंस। साइंस, क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। सो अभी कौन सा जो फेस्टिवल है आने वाला है या कल कौन सा फेस्टिवल गया है? दशहरा। दशहरा, ओके। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अनंतदीप कौर। अनंतदीप कौर, ओके। सो शर्मा रहे हैं। अच्छा, है ना, शर्मा रही हैं। चलिए, शुक्रिया। छोटा सा एक फ़र्क ज़रूर नज़र में आता है, कॉन्फिडेंस ज़रूर दिखता है कि बच्चे की आंखों में, उसकी निगाहों में। भले ही बच्चे थोड़ा कैमरा से ज़रूर शर्मा जाते हैं लेकिन कॉन्फिडेंट आप भी देखते हैं। यही एक फ़र्क है जनाब, जो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का है, जिसको तोड़ने की ज़रूरत है। मैडम ने जिस तरीके से कहा कि एक्टिविटीज़ बहुत करवाई जाती हैं जिस वजह से बच्चा शार्प होता है, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ खेलते हैं जिसमें उनको भी एक फ़र्क नज़र में आता है, लेकिन सरकारों को ये फ़र्क क्यों नहीं नज़र आता? शायद इसका जवाब किसी के भी पास नहीं होगा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कहीं पर लैक होता है, कहीं पर भी सिचुएशन डाउन होती है, कहीं पर भी कमी नज़र आती है, तो सवाल या निशान ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर गलती कहां पर है। अपना सफ़र जारी रखते हैं जनाब, बहुत से लोग हैं जो अपनी राय आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक माँ बाप अपने बच्चों को बड़ी ही मशक्क़त और बड़ी ही मेहनत से पालते हैं, अपना पेट काट कर उनके लिए पैसा जुटाते हैं और उनको स्कूल भेजते हैं। ये सोचते हैं कि स्कूल बच्चा गया है, पढ़ेगा लिखेगा और उनसे कई गुना आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है जो अपने दिल में बसाए होता है और वो सपना पूरा करने में लग जाते हैं माँ बाप। तो कुछ बच्चे मेरे साथ हैं और उनके साथ उनकी नानी जी हैं, जो नानी भी हैं और दादी भी हैं। क्या नाम है आपका? कालो देवी बेटा। कहाँ की रहने वाली हैं? हम झारखंड के बेटा। झारखंड से हैं। तो अभी इतने सारे बच्चों को लाना ले जाना आपकी ड्यूटी? अपना ड्यूटी है बेटा, मेरा ड्यूटी है। तो बाकी इनके मम्मी पापा क्या करते हैं? इनका मम्मी कोठी में काम करती है, पापा धूपबत्ती वालन करता है। मेरा दो बेटा है, सब उधर के मेथी बर्तन वालने करता है। तो आपको लगता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कुछ बेहतर सीख रहे हैं और अपने माँ बाप से अच्छी जिंदगी जियेंगे? हाँ बेटा, बस यही सोच के थे स्कूल ने डाला हूँ कि चलो हम लोग तो अनपढ़ हो गया पढ़े लिखे बिना, बाकी बच्चों तो कुछ ना कुछ पढ़े लिख ले, चाहे भूखे प्यास से जैसे मर्जी पढ़ा लिखा रहा हूँ बेटा, क्या करूँ। तो आपको लगता है कि जो दुख आप देख रही हैं, जो एक ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आप देख रही हैं, पैदल इतना दूर जाती हैं या ऑटो से रोज़ का इतना किराया फूकती हैं, उनसे इन बच्चों को मुसीबत नहीं आने देंगे आप, उनसे ऊपर निकालेंगे इनको? हाँ जी, सोच रहे हैं कि चल बच्चे है तो पढ़ लिख के कम से कम दसवीं कर ले, अपना अपना जॉब ने लग जाएंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेंगे, उसी में दहाड़ी में बच्चा भी पढ़ा लेता हूँ और ट्यूशन भी करवा लेता हूँ, किराया गाड़ी निकालता हूँ, दूध हो लग देता हूँ, राशन भी चलाता हूँ, कपड़े लता करता हूँ, उसी में बेटा चाहे भूख प्यासा अभी तक मुंह नहीं धोया हूँ,
बस बेटे इधर से जाऊंगा लंगर जाऊंगा 3216 मेन हॉस्पिटल जाऊंगा, वहाँ 4 गाड़ी लंगर आता है, वहाँ से जाके खाना लाऊंगा 3 लोग के खिला के, फिर इस सबके ट्यूशन भेजूंगा 2 बजे से 4 बजे तक। ट्यूशन का फीस भी देना होगा? ट्यूशन का फीस 1500 रुपया लेते हैं बेटा, पांच बच्चों का 1500 रुपया लेते हैं बेटा। फिर बच्चों 4 बजे छुट्टी होंगे, फिर टेम्पू करूंगा रोड का पार करा के, फिर टेम्पू करूंगा, फिर हल्लो मजरा जाऊंगा। तो आपको नहीं लगता कि आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं वो काफ़ी होना चाहिए, 1500 रुपये और आपको देने पड़ते हैं ट्यूशन के लिए भी? क्या करें बेटा, हमारा यहाँ जॉब था, नौकरी था, मेरे घर वाला के डेथ हो गया 2016 में, तब अभी तक तो नौकरी आया नहीं, बच्चों के दे रखा हूँ, छोटा वाला लड़का का अभी 3 साल हो गया, अभी तक कुछ सुनवाए, गरीब के कौन सुनने वाला है बेटा, बड़े के बड़े बड़े अफसर के सुनते हैं, हमारे बात कौन सुनेंगे, भगवान के कृपा ले बैठा हूँ, आ जाएंगे तो ठीक है, इसलिए नाम नहीं कटा रहे हैं बच्चों के कि 32 ने रहते थे पहले, तब 32 से 2 साल गवर्नमेंट ने दिया मेरा कमरा, 2 साल रहा, 2 साल के बाद क्वार्टर खाली करके चला गया हलो मजरा। तो अभी पढ़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? पवन। अरे पवन, कौन सी क्लास है? सेकंड। क्या पढ़ना ज्यादा पसंद है तुम्हें? बताओ क्या अच्छा लगता है पढ़ना? कौन सा पढ़ाया अच्छा? अच्छा इंग्लिश आता है, इंग्लिश पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो उसमें? उसमें एबीसीडी। एबीसीडी सेकंड क्लास में भी एबीसीडी? और क्यूज नहीं आता क्या? अच्छा आपका नाम क्या है? राधा। अरे राधा, आप कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। अच्छा आपको क्या पढ़ाते हैं? मेरे को कलर और एबीसीडी 1-100 तक। 1-100 एबीसीडी पूरा आता है? अच्छा जेड फॉर क्या होता है? जेब्रा होता है। और बी फॉर? बॉल है। बी फॉर बॉल होता है? अरे वाह, तो अभी फर्स्ट क्लास में हो आप, दोनों चीजें आपको आता है, 1-100 भी आता है, 2 का टेबल सिखाया आपको? आता है। 2-2 का कितना होता है? 2-2 का 4। और 2-6 का? 2-6 का 12। अरे वाह, बहुत इंटेलिजेंट है आप तो। और आप 2-6 का कितना होता है? 2-6 का 12। अच्छा और 2-5 का? 2-5 का 10 होता है। ओके, बॉल का स्पेलिंग क्या हुआ? बॉल बी बोल बेटा बोल जल्दी बोल बी आगे नहीं आता। ओके क्या होता है बॉल का स्पेलिंग क्या होता है? बी ओ वाई बॉय बॉल। ये तो बॉय हो गया, बॉल का स्पेलिंग? बॉल का पता नहीं, बॉल का पता नहीं। शुक्रिया माता जी। एक जिंदगी है जनाब जो जद्दोजहद में लगी हुई है, जद्दोजहद उसकी कि अपने बच्चों को अपने से आगे बढ़ा दें, अपने बच्चों को वो तमाम चीज़ें वो तमाम सुविधाएं दिला दें जो उनको नहीं मिल पाए, वो स्ट्रगल ज़िंदगी का जो आज वो देख रही हैं, वो स्ट्रगल ज़िंदगी का जो आज वो महसूस कर रही हैं, जिसे उन्हें झेलना पड़ रहा है, उस स्ट्रगल से अपने बच्चों को निकाल सकें, वो तमाम जद्दोजहद से अपने बच्चों को आगे निकाल सकें। और पढ़ाई सिर्फ एक सहारा है, पैसे ना होने की वजह से सरकारी स्कूल हैं और सरकारी स्कूल में सुविधाएँ ज़रूर हैं, ऐसा कहते हैं कि यूनिफॉर्म है, मिड डे मील है, उनको किताबें तक दी जाती हैं, लेकिन ऐसी क्यों धारणा बन गई है कि सरकारी स्कूल सिर्फ गरीबों के ही बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में सिर्फ गरीबों के बच्चे ही पढ़ेंगे, अमीरों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे ये स्कूल, हमारे ये सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं? ऐसा क्यों होता है, क्यों आज भी लोग ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता था प्राइवेट स्कूल में, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मुझे सरकारी स्कूल में अपने बच्चे डालने पड़े? ऐसी धारणा क्यों है, क्यों हमारे ये जो सरकारी स्कूल हैं जिन्हें सरकार फंड देती है, सरकार इतनी बड़ा कहा जाए कि एक फ़ंड जो है इन सरकारी स्कूलों पर खर्च करती है, अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, फिर भी ये हालात है। तो जनाब फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मसले को लेकर आवाम की राय जानेंगे, तब तक के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर और कैमरामैन प्रदीप शर्मा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।